दोस्तों, मैं आशीष और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं। मिट्टी की जांच किस तरीके से की जाती है, उसका महत्व क्या होता है और किस तरीके से उसको करना चाहिए, उसकी क्या तकनीकें होती हैं। तो ये भारतीय गन्ना अनुसंधान जो है लखनऊ के द्वारा बनाई गई है, ये उनकी बुकलेट जिसके माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि हम मिट्टी की जाँच किस तरीके से करा सकते हैं। मिट्टी की जांच करने का पहला तरीका होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है, छोटा सा आता है, 400 रुपये का, जिससे आप मिट्टी की पीएच वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। और एक डिजिटल आता है जो करीब 1,500 से 2,000 के बीच का आता है, उसके माध्यम से आप पीएच वैल्यू आप अपने मिट्टी की आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में चेक कराना है और आपको अच्छी खेती करनी है तो आपको अपनी मिट्टी की जाँच करवानी चाहिए। तो उसका क्या तरीका होता है, आइए जान लेते हैं। तो मिट्टी की जांच में मिट्टी के तीन पार्ट होते हैं। एक मिट्टी का भौतिक स्वरूप, यानी मिट्टी किस तरीके की है, वो बहुत टाइट है या बहुत ढीली है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है मिट्टी का, उसको भौतिक कहते हैं। दूसरा रासायनिक, कि मिट्टी में कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मॉलिब्डेनम इत्यादि, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या मौजूद हैं और उसमें जैविक गुण क्या क्या है, यानी उसमें जो हमारे जीवाणु विषाणु मौजूद हैं वो किस तरीके के मौजूद हैं, अच्छे विषाणु जीवाणु जो कीट मित्र होते हैं वो मौजूद हैं या नहीं। तो इन सब का आपका जांच मिट्टी की जांच में किया जाता है। इसके अलावा आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू भी चेक की जाती है कि मिट्टी आपकी लवणीय है, यानी उसकी पीएच वैल्यू 7 है, या क्षारीय है, यानी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, या अम्लीयता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है। जो आइडियल होती है वो 6.5 से 7 या 7.5 के बीच की पीएच वैल्यू होती है, जिसमें पौधे अच्छे से होते हैं। मिट्टी की जाँच की ज़रूरत क्या है? पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक माने जाते हैं। 16 पोषक तत्व आवश्यक माने जाते हैं। इन पोषक तत्वों को खेत में फसल की आवश्यकता रूप ही उपयोग करना चाहिए, जिससे फसल उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खराब ना हो। फसल में उर्वरक प्रयोग करने की हमें सही मात्रा की भी जानकारी हो, ताकि हम जरूरत से ज़्यादा या जरूरत से कम उर्वरक का प्रयोग ना करें। इसके लिए हमें मिट्टी की जांच करनी चाहिए। तो मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का आकलन इससे होता है। मृदा में पोषक तत्वों का पता चलता है। समस्याग्रस्त मृदा की पहचान होती है तथा उसमें सुधार हेतु मृदा सुधारक की मात्रा की गणना हो जाती है। मृदा उर्वरता का मानचित्र भी तैयार आप करते हैं कि आपके खेत में किस तरफ कैसी मिट्टी है, इसका भी पता चलता है। और उसी के प्रकार आप फल का चयन करते हैं। रासायनिक उर्वरक अगर आपको डालना है तो उसकी मात्रा का पता चलता है। मृदा का स्वास्थ्य कार्ड आपको इसके थ्रू प्राप्त होता है। मृदा के विकारों का भी प्रबंधन अच्छी तरीके से होता है। अब आता है मिट्टी की जांच हमें कब करानी चाहिए। तो मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी का नमूना बुआई से लगभग 1 महीने पहले, ध्यान रखिएगा, बुआई से 1 महीने पहले मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए, जिससे मिट्टी की जांच की रिपोर्ट फसल की बुआई के पहले ही मिल जाए। इसमें मृदा का पीएच, विद्युत चालकता एवं कार्बनिक पदार्थ को प्रत्येक मौसम में तथा मुख्य, द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व तो 1 से 2 वर्षों की अंतराल में जांच करानी चाहिए। ध्यान रखिए, मृदा का पीएच, विद्युत चालकता और कार्बनिक पदार्थ को आपको प्रत्येक मौसम में जांच कराना चाहिए, तथा जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी जांच आपको 1 से 2 साल में करानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि मिट्टी का नमूना लेने के लिए हमें क्या क्या उपकरण चाहिए। तो आपको फोटो में दिख रहा होगा, हमें चाहिए खुरपी, हमें चाहिए फावड़ा, हमें चाहिए आगर, हमें पैमाना फीता चाहिए, प्लास्टिक की बाल्टी चाहिए या प्लास्टिक की ट्रे चाहिए, खरल या मूसल चाहिए, पॉलीथीन की छोटी छोटी थैलियाँ चाहिए, गत्ते के डिब्बे चाहिए, प्लास्टिक सीट चाहिए, पेंसिल या बॉल पेन चाहिए और एक पर्ची चाहिए जिसमें हम नोट करें, लकड़ी चाहिए, धागा सुतली चाहिए। औजारों का चयन कैसे करना है?
ऊपरी सतह से नमूना लेने के लिए खुरपी या ट्यूब आगर का प्रयोग करना चाहिए। अधिक गहराई या गीली मिट्टी से नमूना लेने हेतु पोस्ट होल आगर तथा सख्त मिट्टी से नमूना लेने हेतु बर्मे या स्क्रू आगर का प्रयोग करना चाहिए। गड्ढे खोदने के लिए कसी फावड़ा तथा लंबी छड़ी वाले आगर का प्रयोग करना चाहिए। अब मिट्टी जांच के लिए नमूना लेने की विधि क्या है? तो दो तरीके की विधि होती है। एक आपको खाली खेत में किस तरीके से करना है, आपको खड़ी फसल में किस तरीके से करना है। तो पहला जान लेते हैं खाली खेत में चिन्ह लगाने का तरीका क्या है। मिट्टी जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है मिट्टी का सही नमूना। किसान भाई कैसे लेते हैं? इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि नमूना इस प्रकार लिया जाए कि वह जिस खेत से लिया जा रहा है उस नमूने में पूरे खेत की मिट्टी का अंश होना चाहिए। इसके लिए खेत में कई जगह से नमूने लिए जाते हैं तथा इन नमूनों को मिलाकर एक नमूना बनाया जाता है। खेत से मिट्टी का नमूना लेने का तरीका नीचे लिखा है। सबसे पहले खेत की बनावट, ढलान, रंग, फसल की उपज, बढ़वार के अनुसार बोई गई फसल और क्षेत्रफल के अनुसार कई भागों में बांट लिया जाता है। नीचे आप ये फिगर देख रहे हैं। प्रत्येक खेत का आकार 1 एकड़ से अधिक ना रखें, यानी आपको 1 एकड़ तक ही के खेत का एक सैंपल रखना है। यदि पूरा खेत बहुत अधिक समानता वाला हो तो 1 हेक्टेयर से 1-2 नमूना ही पर्याप्त होता है। इसके बाद आपको खेत में क्या है, टेढ़े मेढ़े चलते हुए 15 से 20 जगहों पर निशान लगा लेने हैं। इस तरीके से आपको चलना है जैसे फिगर में दिखाया गया है, टेढ़े मेढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चिन्ह लगाए स्थान से घास, कंकड़, पत्थर, फसल अवशेष और कूड़ा करकट आपको साफ कर देना है। लगाए गए चिन्हों वाली जगह से खुरपी द्वारा वी, आप देख लीजिए ये वी शेप का 15 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है। उसमें से मिट्टी निकालकर गड्ढा कर लें। खुरपी से इस गड्ढे की दीवारों से लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी ऊपर से नीचे तक समान मोटाई वाली परत खुरचे, इससे यहाँ से आपको इस तरीके से खुरचना है। 2.5 सेंटीमीटर आप वी आकार का बना लीजिए, उसमें से मिट्टी निकाल लीजिए और अब वी आकार का जो है उसमें से आप 2.5 सेंटीमीटर की एक परत की मोटाई की परत खुरचे। खुरची गई इस मिट्टी को एक साफ सुथरी प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक की ट्रे में इकट्ठा कर लें या किसी कपड़े में इकट्ठा कर लें और इसे अच्छी तरीके से मिला लें। इस प्रकार से खेत में लगाए गए सभी जगहों से आपको नमूना लेना है और सभी जगहों से ली गई मिट्टी के नमूनों को आपस में अच्छी तरह मिला देना है। ध्यान रखना है कि अलग अलग गहराई के नमूनों को अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। अब आपको खड़ी फसल में कैसा नमूना लेना है। खड़ी फसल वाले खेत से मिट्टी का नमूना लेना हो, हालांकि प्रेफर किया जाता है कि आपको खाली खेत से यानी फसल बोने के 1 महीने पहले सैंपल लिया जाए, पर आपकी मजबूरी है आपको खड़ी फसल में ही लेना है तो आपका ये तरीका है। खड़ी फसल वाले खेत से मिट्टी का नमूना लेना हो तो फसल की लाइनों के बीच से नमूना लेने और चिन्ह लगाकर अलग अलग लाइनों से मिट्टी निकाल लेनी है। अब आते हैं मिट्टी के नमूनों को जांच हेतु तैयार करने का तरीका। अलग अलग जगहों से लिए गए मिट्टी के नमूनों का एक ढेर बनाकर 4 भागों में बांट देना है। ये देखिए आपको नमूनों का ढेर बनाना है, उनको 4 भागों में बांटना है। आमने सामने के 2 भागों को फेंक दें तथा शेष 2 भागों को पुनः मिलाकर 4 भागों में बांटें, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यहाँ से आपको लेना है 4 भागों में बांटा, उसमें 2 भाग आपने निकाल दिए, ठीक है। अब फिर से इसको 4 भागों में बांट दीजिए। इस प्रकार मिट्टी को घटाते जाइए और लगभग 0.5 किलोग्राम मिट्टी की मात्रा को साफ कपड़े की थैली में भरकर मिट्टी की जांच कराने हेतु सूचना पत्र, इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। 4 भाग में बांटना है, 2 भाग निकाल देना है, 4 भाग में बांटना है। लास्ट में जब आपका 0.5 किलोग्राम मिट्टी की मात्रा हो जाए तो आपको साफ कपड़े में भरकर उसमें सभी आवश्यक सूचना भरकर मिट्टी के नमूनों के साथ बात कर प्रयोगशाला भेज देनी है। अब खेत के नमूने लेने की गहराई, अगर आपको अन्न, दलहन, तिलहन, सब्जियों वाली फसल है तो मिट्टी का नमूने की
मिट्टी लेनी है तो आपको दो सतह यानी 0 से 15 और 15 से 30 सेंटीमीटर गहराई से नमूना लेना है। याद रखिए 0 से 15 और 15 से 30 दो नमूने लेने हैं। क्योंकि तो आपको मैंने बताया था अलग अलग गहराई के नमूनों को अलग अलग, यही प्रोसेस 0 से 15 सेंटीमीटर के लिए करना है और 15 से 30 दो नमूने बनाने हैं। अब मृदा से सुधार है तो मिट्टी का नमूना लेने के लिए आपको 90 सेंटीमीटर गहरा खोदकर 0 से 15, 15 से 30, 30 से 60 और 60 से 90 गहराई के आधा आधा किलोग्राम के 4 नमूने आपको बनाने हैं। आपको जो मैंने विधि बनाई बताई थी, ये जो विधि बताई थी, इस तरीके से आपको 4 नमूने बनानी है अगर आपको मिट्टी सुधरवानी है। अगर आपको बगीचा लगाना है जिसकी जड़ गहराई, जैसे आम का बगीचा, सेब का, अमरूद का, आंवले का, तो आपको 180 सेंटीमीटर तक आपको गहराई लेनी है। 0 से 15, 15 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180 सेंटीमीटर तक गहराई के अलग अलग नमूने लेने हैं। देखिए यहाँ फिगर में भी आपको दिखाया गया है। मिट्टी के नमूना तो आपने बना लिया, अब उसमें आपको क्या क्या सूचनाएं देनी है, इसके लिए पर्ची किस तरीके से बनानी है, तो किसान एवं खेत संबंधी आवश्यक सूचनाओं को कार्ड या पत्रक पर लिखकर मिट्टी के इस तरीके के पत्रक आपको बनाना है। रखकर ऊपर बात कर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजनी चाहिए। इसमें आपको क्या क्या सूचनाएं देनी है, किसान का नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसकी शिक्षा, उसका व्यवसाय, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, विकासखंड, तहसील, आपका राज्य, आपका टेलीफोन नंबर देना है। दूसरा आपको खेत संबंधी सूचना देनी है, खेत का नंबर, पहचान, खसरा खतौनी नंबर, सिंचाई के उपलब्ध साधन, ट्यूबवेल है कि नहर है, कैसे है, सिंचित है, खेत की स्थिति यानी समतल है, ढालू है, पिछली बोई गई फसल का नाम, कौन सी फसल बोना चाहते हैं उसका, पिछली फसल में दी गई जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक एवं अन्य रासायनिक पदार्थ की मात्रा, खेत का क्षेत्रफल कितना है यानी बीघा एकड़ में, वो आपको देना है। खेत पहला हो गया किसान संबंधित सूचना, दूसरा हो गया खेत संबंधित सूचना, तीसरा होता है मिट्टी की जांच समय, किस उद्देश्य से हेतु मिट्टी जांच कराना चाहते हैं, मिट्टी की जांच पिछली बार कब कराई थी, मिट्टी के जांच के बारे में क्या विचार है, खेत संबंधी कोई समस्या हो तो खेत के नमूने लेने की तिथि, मिट्टी की को जांच हेतु प्रयोगशाला में नमूना भेजने की तिथि, मिट्टी की जांच हेतु नमूना कैसे और कहाँ भेजें। अब आपके सामने होगा कि सब नमूना ले लिया, उसको भेजा कहाँ जाए, तो मिट्टी की जांच हेतु नमूने को कृषि विभाग से जुड़े किसी अधिकारी की मदद से निकट के किसी गैर सरकारी या गैर सरकारी संस्था, केंद्र एवं राज्य के आपके आसपास कोई कृषि विश्वविद्यालय है तो वहाँ, कृषि विज्ञान केंद्र केवीके में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान जो होते हैं वहाँ पे, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में ऊपर लिखी गई सूचनाओं को सूचना पर्ची के साथ मिट्टी के नमूने की जांच के लिए आपको भेजना है। अब ध्यान रखना है कि खेत से मिट्टी का नमूना हमें कम नहीं लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना जहाँ तक हो सके आपको खाली खेत में लेना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अगर किसी खास कारण से आप खाली खेत में नहीं ले पाते हैं तो खड़ी फसल की कटाई से पूर्व फसल की लाइनों के बीच से नमूना लें। ध्यान रखें कि वर्षा, सिंचाई, उर्वरक के प्रयोग के बाद, वर्षा के बाद, सिंचाई के बाद, उर्वरक, वर्षा के बाद, सिंचाई के बाद, उर्वरक के प्रयोग के बाद खेत में फसल अवशेषों को जलाने के तुरंत बाद मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ तक संभव हो गीली मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। यदि लेना जरूरी है तो मिट्टी के नमूने को छाया में सुखाने के बाद ही आपको प्रयोगशाला में भेजना है। खेत में खड़ी फसल से नमूना ना लें। अगर जरूरी हो तो लाइनों को बीच से लें। रासायनिक उर्वरक 1 महीने पहले ही डाली गई हो, 1 महीने उससे पहले डाली गई हो तभी 1 महीने अंतर होना चाहिए। सड़क के किनारे, रास्ते के पास, नाले, पेड़ के पास या उर्वरक डालने के बाद मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। मिट्टी के नमूनों को रासायनिक उर्वरक के बोरों, बैटरी, डीजल, तेल, राख एवं रासायनिक पदार्थ से दूर रखना चाहिए। याद रखें
फसल की बुआई से लगभग 1 महीने पहले मिट्टी का नमूना आपको भेजना है। मिट्टी का नमूना लेने के लिए जंग वाली खुरपी फावड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थी आपकी मिट्टी के जांच कराने की कुछ तकनीकें। अगर इससे जुड़ी आप और जानकारी चाहते हैं तो आप अपने निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र या किसी विश्वविद्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं, और आप कुछ और YouTube की वीडियो भी देख सकते हैं। और आप ये गन्ना अनुसंधान का नंबर भी है ICR का, यहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। तो ये थी मिट्टी जांच कराने की पूरी प्रक्रिया। हो सकता है आपको इसमें कुछ जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।